भाइयों बहनों, सेक्टर 140 में आपका स्वागत। देखिए, कई बार लोग पूछते हैं 140 की जानकारी दो, 142 की, 137 की। आज हम नोएडा 140 की जानकारी लेके आए हैं और हमारे साथ हैं प्रॉपर्टी के एक्सपर्ट सी शर्मा जी। उनका जन्म सेक्टर 140 के पीछे गांव है, वहाँ हुआ। उनसे बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या माहौल है सेक्टर 140 का, उनसे बातचीत करेंगे और पूरी क्षेत्र की जानकारी लेंगे। सी शर्मा जी, आपका स्वागत। जी सर, ये कच्ची उतार लो कोरोना वाली जी। अच्छा सर, ये जानकारी दीजिए हमें कि आपका जन्म कहाँ हुआ। हमारा गांव यहाँ सेक्टर 141 में लगता है, सैदरा गांव में हुआ जी। ये जो सैदरा, सैदरा गांव। अच्छा, मतलब कि ये फैक्ट्री बनी है, इसके पीछे ही कोई गांव है, ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ, इसके बैक साइड में। तो आपको प्राउड फील होता है कि जब मैं यहाँ नंगा घूमता था, कच्ची पहन के कुछ नहीं होता था, देखो दुनिया वालों की इतनी तरक्की आ गई। होता तो है सर, पहले यहाँ खेती करते थे, हम ट्रैक्टर चलाते थे, भैंस चलाते थे। हाँ, तो सारा काम करते थे। सबको प्राउड फील होता है कि मेरा देश तरक्की कर रहा है। हाँ जी, मेरा देश तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, चाइना की ऐसी तैसी कर रहा है। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। रूबी जी, आपको कैसे लगा कि सतीश जी का यहाँ घर था, यहाँ घूमते फिरते थे वो छोटे? अगर मान लीजिए आप किसी जगह पे खेती कर रहे हो और जो दूर दूर तक खेत नजर नगर, और आज वहाँ पर आपको फैक्ट्री नजर आ रही है, इतनी हाई राइज बिल्डिंगे बन गई। देखो चारों तरफ बिल्डिंग है, पीपल के पेड़ के पीछे भी बिल्डिंग है। ये देखिए जी, ऐसे एक फैक्ट्री का शेड बन रहा है, यहाँ पे प्रोडक्शन लाइन शुरू होने वाली है। ये शेड ऐसे बनते हैं, ये इसका गेट है कि नई फैक्ट्री बन रही है। ठीक है जी, अब इसके नीचे प्रोडक्शन किया जाएगा, आटे के बिस्कुट बनाए जाएंगे। इसके पीछे मारुति कार का शोरूम है और यहाँ पे नव निर्माण बड़ा तेज़ी से चल रहा है। देखिए डंपर जा रहे हैं, ये डंपर होते हैं, इनसे बच के रहना चाहिए, बंदे को मार देते हैं ये। इसके ड्राइवर शराब पी के गाड़ियाँ चलाते हैं, ये पिचका देते हैं गाड़ियों को। अच्छा सर, इस एरिया में ये पीछे जो दफ्तर है, किस चीज़ के बन रहे हैं, कौन कौन सी कंपनी आ रही है, जानकारी दो। ये तो दूता प्रेस है, दारू का लेबल बनता है, ब्रिटिश काउंसिल का भी कुछ है यहाँ पे। अच्छा, तो मतलब यहाँ धीरे धीरे तरक्की आ रही है। और इधर रेजिडेंस है जी, ये रेजिडेंशियल सेक्टर सामने 137 है। हाँ जी। अच्छा, ये पारस टेरा वाली सारी बिल्डिंगें आ गई, वो सेक्टर आ गए। तो सेक्टर 140 में धीरे धीरे काफी तरक्की आ रही है, के थोड़ा सा ही आगे है। अच्छा एडवांस। अच्छा सर, ये जो लोग आ रहे हैं, ये फैक्ट्री से लेबर की छुट्टी हो रही है शाम की? जी सर। देखो जी, ये शाम को लेबर की फैक्ट्री की छुट्टी हो रही है, लेबर बाहर आ रही है। तो नोएडा के अब हम बारे में जानकारी लेके। अच्छा सर, यहाँ पे कोई बंदा प्लॉट लेना चाहे मिल जाएगा जी? प्लॉट यहाँ प्लॉट मिल जाते हैं जी। अच्छा, और यहाँ से पुछता कितनी दूर है? पुछता यहाँ से 200-300 मीटर दूर है। यहाँ पे यहाँ से 300 मीटर दूर है पुछता। एक्सप्रेसवे कितना दूर है यहाँ से? एक्सप्रेसवे 1 किलोमीटर। और नोएडा का सेक्टर 18? सेक्टर 18 यहाँ से 15 किलोमीटर। और परीचौक? परीचौक 15 किलोमीटर। और दारू का ठेका? दारू का ठेका जी यहाँ 500 मीटर। अच्छा, यहाँ पे कोई बंदा रहता है फैक्ट्री में, तो इनको सामान फोन कहाँ से लाते हैं खाने पीने का? ये सामने ही गांव के सामने मार्केट है जी, कॉमर्शियल मार्केट भी है, सेक्टर की मार्केट भी है, गांव की मार्केट भी है। और सारी चीज मिल जाती है, सारी चीज। अच्छा, ये अभी जो लेबर जा रही है, ये किस गांव में रहती होगी? ये इसी गांव में रहती है, शैदरा। शैदरा गांव में रहे, वहाँ कमरे बने हुए हैं। कमरे बने रेंट के लिए लोगों ने। क्या रेट पे कमरा मिल जाता है जी यहाँ? 3,000-3,500 रुपये में कमरा। ये देखिए जी, ये वो आ रहा है यमराज। देखिए यमराज होते हैं, कहते गंदगी उड़ाते जा रहा है, ये मार देते हैं, इनसे बच के रहा करो, कहीं सड़क पे मिले नहीं इज्जत दिया करो। या नव निर्माण का काम चल रहा है तो बहुत तेजी से आते जाते हैं। इसके पीछे साई प्रथम की बिल्डिंग बन रही है जी। ये कौन सी बिल्डिंग है सर? साई प्रथम बिल्डर। अच्छा, भुटानी वाली है जो 56 मंजिल है जी। अच्छा, ये भुटानी का दूसरा प्रोजेक्ट है जो इसका काम चल रहा है। इसके पीछे ये भुटानी का सामने जी। अच्छा, ये भुटानी है, तैयार है बिल्कुल, रेडी टू मूव। अच्छा, इसके नीचे तो शायद चालू भी हो गया कमर्शियल, इसके पिज्जा हट चालू हो गया। हाँ, तो ये आप देख रहे हैं जी, यहाँ पे चहल पहल है, मूवमेंट है, कंपनी से लेबर छूट के जा रही है। तो ये अगर आप सेक्टर 140 में इन्वेस्टमेंट करना चाहें, यहाँ पे 30% नीचे जो है वो एरिया तो कमर्शियल है और 70% ऑफिस स्पेस है। तो आप मिक्स लैंड यूज करके कोई भी बिल्डिंग खरीद के बना सकते हैं। मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग और साथ में शर्मा जी। आप सर, आप जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।